Assalamualaikum everyone, welcome back to Varisha ki Duniya. I hope you all are doing well. So finally I am here. Now this vlog is 15th of April. So आज मैं ये vlog की voice over कर रही हूँ. काफ़ी टाइम से vlog शूट कर रही हूँ और कुछ ना कुछ pending में चला जाता है. ईद का भी vlog अधूरा रह गया तो मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिया था आप लोगों के साथ. आई होप आप लोगों को vlog ज़्यादा बोर नहीं लगा होगा. तो आज मैंने ये ड्रेस और ये स्लीपर निकाली है, ये इंशाल्लाह मैं पहनूँगी तब मिलती हूँ. क्यों अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज़ हो गई डन और अभी मैं होंगी थोड़ी देर के बाद रेडी और अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ फिर रेडी होंगी. सुबह से मैंने कुछ नहीं चेंज किया, मैंने एडिटिंग की व्लॉग बहुत ही छोटा सा मैंने ईद का बनाया है क्योंकि ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं हो पाया था तो उसी में मैंने एडिट किया. एडिट करने में थोड़ी बहुत क्लिप्स और कट गई तो जितना एडिट किया मैं इंशाल्लाह वो आज रात में शेयर कर दूँगी. और चलिए मैं खाना खाने के बाद आउटफिट चेंज करती हूँ तब मैं आपसे मिलती हूँ. तो मैं रेडी हो गई, ऑलमोस्ट मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है. मैं भी इसको फाइनल करके दिखाती हूँ, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है लेकिन मैंने पहन लिया है. अभी देखती हूँ शाम तक फिर चेंज कर लूँगी. तो चलो मैं फुल लुक भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ. तो ये था मेरा फाइनल आउटफिट. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. ये दुपट्टा और फ्रॉक मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था एंड जीन्स मेरे पास अवेलेबल थी ऑलरेडी. मैंने रमज़ान से पहले दो तीन चीज़ें मंगवा के रख लिया था जीन्स का क्योंकि रमज़ान में तो मैंने सूट ही लिया जैसे आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा हो. तो ये देखिए आज पूरा क्लियर लुक, अंदर ब्लर थोड़ा सा आ रहा था तो मैंने कहा यहाँ पर दिखा देती हूँ. चलिए तैयार होते हैं फिर मिलते हैं, जल्दी से क्विक मेकअप करते हैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ. हम लोग जा रहे हैं नानी के यहाँ, फिर उस तरफ से खाला के यहाँ जाएंगे और घर से घूमेंगे थोड़ा बहुत. खाला लोग आ गई हैं तो अभी हम लोग निकलेंगे. मैंने कहा एक रेडी होने के बाद एक क्लिप शूट कर लेती हूँ. मैंने यहाँ स्लीपर नहीं पहनी थी, स्लीपर इस पर नहीं अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा कि चलो जूती ही पहन लेती हूँ. तो ये था मेरा पूरा फाइनल लुक और अभी हम लोग निकल रहे हैं. सब खाला और खाला की बेटियां सब आ गई थी घर पे तो अभी हम लोग जा रहे हैं नानी के यहाँ. फिर नानी कैसे खाला के जाएंगे. अभी हम लोग कहीं ईद वाले दिन जाना ही नहीं हो पाया था क्योंकि घर ही पे सब आ रहे थे तो उसी में इतना पूरा टाइम बिजी चला गया और मैं फ्रेंड्स के अभी चली गई थी. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, काफ़ी तेज़ धूप है लेकिन हाँ सही है, घूम लेंगे. और मेकअप मेरा कैसा लगा, मैंने बहुत लाइट मेकअप किया था. और इधर हैं हम चारों लोग, चारों की बॉन्डिंग अच्छी है तो इसी वजह से चारों साथ में हैं. और इधर साथ ही साथ मैं व्लॉग भी शूट कर रही थी एंड नाउ बैक टू होम. हम लोग घर आ चुके थे सब जगह से घूम के ऑलमोस्ट 6:30 और मेरे घर पे मेहमान आ गए थे तो हम लोगों को और जल्दी आना पड़ा क्योंकि मम्मी की कॉल आ गई थी. तो चलिए घर में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है. मैं मेरी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, मैं खाला के ऐसे आ गई थी, मैंने आज एक भी फ़ोटो नहीं क्लिक करी. मैंने कहा ला थोड़ी सी छोटी सी फोटोज थोड़ी बहुत क्लिक कर लो पोस्ट करने के लिए और कुछ रील्स बनाने के लिए. थैंक यू तानिया, वेलकम. कुछ बोलो, ईद कैसी गई तुम्हारी? बहुत अच्छी गई. ईद में कहाँ कहाँ गई? ईद में दादी के वहाँ गए और सब जगह गए. और कोई फ्रेंड लोग से नहीं मिली? मिले थे, मेरे घर आई थी. और हम लोगों के घर पर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. जी और अभी हम लोग का क्या प्लान है, हम लोग कहाँ जाएंगे? अब तुम बताओ क्या प्लान हम लोग ने बनाया था. हम लोग ने बनाया था कि हम लोग जाएंगे गुटगुटे. तो अभी क्या प्लान है, अभी हम लोग जा रहे हैं ना? हाँ चलो फिर हम लोग जाते हैं. अगर कुछ शूट हुआ तो करेंगे, अगर नहीं हुआ मैं भी गए अम्मी भेजती हैं या नहीं. पहले तो प्लान तो कर लिया, अभी हम सोच रहे हैं हम लोग कल तो देखते हैं. अभी थोड़ी बहुत रील्स भी बना लेते हैं. तानिया ने खैर मेरा थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किया है लेकिन हाँ हो गया है कि एक दो स्टूडियो लगा. तो ये था मेरा नेक्स्ट डे का आउटफिट. मैंने निकाल के मैंने सब शूट करके रख लिया था कि व्लॉग भी आज इंशाल्लाह डाल दूँगी लेकिन इतनी लेजीनेस की वजह से मैं पहन ही नहीं पाई तो व्लॉग नहीं शूट कर पाया. हे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वरीशा की दुनिया. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो ये है नेक्स्ट डे, मतलब 14th of April का आउटफिट. मैंने कहा ये आउटफिट का लुक भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि क्लिप तो मैंने शूट कर ली. तो ऑलमोस्ट मैंने आउटफिट चेंज कर लिया और अभी जस्ट मुझे टाइम मिला. कल मैंने आगे ब्लॉग कोऑर्डिनेट मैं नहीं कर पाई तो उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला घर पे, कोई किसी ना किसी का आना जाना लगा था. और फिर दूसरे दिन मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी थी कि मैं ये ड्रेस पहनने जा रही हूँ, फिर वो भी नहीं पहन पाई क्योंकि पूरा दिन मेहमान चले और उसमें कपड़े चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला.
फिर आज मॉर्निंग में ही मैंने चेंज कर लिया। मैंने सोचा कि अब पूरा टाइम चला जाता है, फिर क्या फ़ायदा चेंज करने का, एक रील्स भी ना बनाऊँ, तो इसीलिए आज मैंने मॉर्निंग में अभी हो रहे हैं। अभी 10:30 के आसपास हो रहे हैं, तो अभी मैं देखती हूँ क्या करते हैं। अभी तो पहले मैं नाश्ता करूँगी, फिर देखती थोड़ी देर ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह भी करनी है, और फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करनी है। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो जाइए प्लीज़ फॉलो कीजिए, उस पर भी मैं आजकल रेगुलर पोस्ट कर रही हूँ। और देखते हैं अभी यूट्यूब पे एक ब्लॉग नहीं जा पाया, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आज ही ब्लॉग चला जाए। तो गाइस मैं अभी निकल रही हूँ पहनी, चलो मैं निकलती हूँ, तब मैं मार्केट जाके फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं वहाँ पहुँच के आप लोगों को अपडेट करती हूँ, क्योंकि पहले वो काम पॉसिबल हो जाए तब मैं आपको बताती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया डन। तो गाइस मैंने जो ईद वाले दिन इयर रिंग अपने कान में पहन लिया था, तो वो मेरी अटक गई थी कान में गोल्ड के, वो निकल ही नहीं रही थी। घर में सब लोगों ने ट्राई किया, नहीं निकल रही थी। रात में भी ट्राई किया, नहीं निकल रही थी। मैं सुबह मॉर्निंग में मैं चली थी क्योंकि मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तब मैंने जिनसे पहनवाई थी सुनार से, मतलब जहाँ से मैंने गोल्ड लेती हूँ, तो वहाँ पे मैं गई, देन उन्होंने निकाला। फिर मैं भी जस्ट आ रही हूँ घर, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो इसी वजह से मुझे खुद अकेले जाना पड़ा कि मैं जाके निकलवा लेती हूँ, वरना बहुत दर्द होगी बाद में। और आज कौन आया मेरे घर पे? अलवीरा। काफ़ी टाइम बाद, 3 साल के बाद आई हूँ ऑलमोस्ट। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करवाने, फिर हम रील्स बनाएंगे और तब साथ में इंशाल्लाह लगाएंगे थोड़े बहुत, ठीक है? तो आज अलवीरा काफ़ी टाइम बाद आई हम लोगों की, 10th तक हम लोगों ने साथ में पढ़ा है। और अलवीरा तो इतना आती नहीं है, हम लोग कभी कदार मिल लेते थे ईद ही में, और आज पहली बार अलवीरा आई, तो मैंने कहा ये क्लिप तो आप लोगों के साथ ज़रूर जानी चाहिए, भाई कौन आया है मिलाना भी तो चाहिए। और अलवीरा तुम कुछ बताओ। क्या ही बताएं, काफ़ी टाइम बाद खुशी। हम लोग ने खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी और इतना पोपट हुआ है आज वो का रील्स के चक्कर में, एक भी रील्स हम लोग की बन नहीं पाई। हाँ थोड़ी बहुत हम लोग ने स्नैप से लिया है, तो उसको अब हम लोग स्टेटस पे लगाएंगे, और थोड़े बहुत मोमेंट्स हम लोग ने कैप्चर कर लिए अपने लोगों के, और बाकी देखते हैं क्या होता है। आप लोगों की भी फ्रेंडशिप क्या, इतने साल हम लोगों की ऑलमोस्ट 6 ईयर्स कम्प्लीट हो गए हैं, फोर्थ क्लास से हम लोग एक साथ हैं। आप लोग की भी फ्रेंडशिप के कितने साल हो गए, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तुम कुछ बताओ, मेरे ब्लॉग देखती हो कैसे लगते हैं? बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आती है, इन्जॉयमेंट मिलती है तुम्हारे ब्लॉग में, रश्मि सर करती है, लेकिन इनको तो कुछ आता नहीं था, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है आने लगा थोड़ा बहुत आने लगे, इन लोगों का असर हमें मेरे पे आता चला गया है थोड़ा बहुत, इंशाल्लाह आ जाएगा। खैर ये भी रोटी नहीं बना पाती है, बस कहने का है, पूरा घर संभालती है, रोटी नहीं बना पाती, ये भी नहीं बना पाती। ये मेरे साथ बैठती थी हमेशा सीट पे, इसी वजह से इसका भी पीछे रहेंगे, इसी वजह से इसका पोपट हमेशा होता है। ये खैर गोश्त बिरयानी ये बहुत टेस्टी बनाती है, मुझे तो बिरयानी नहीं बना पाती, गोश्त बना लेती, मुझे तो कभी नहीं खिलाई है, लेकिन हाँ बना लेती है, अम्मी लोग बताती हैं इनकी ये बना लेती है, तो अभी जब भी बनाएगी तब मुझे खिलाएगी, स्नैप सीट भेजती है, बाकी दूर से देख लेते हैं, और पास में कभी बुला के कभी दावत लेंगे तो ये आएंगे तो खाएंगे। हाँ इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलेंगे। अभी कब मिलने आ रही हूँ? अब तुम आओगी, तो आ चुके हैं अब, देखो पहले ही फिर इनका हो गिया स्टार्ट, कितने पहले तुम आओगी, और अब देखिए गाइस हम तो आ ही चुके हैं, ये आए नहीं है, तो क्या हुआ? हम लोग हमेशा जाते हैं हर साल ईद में, ईद बकरीद हम लोग स्पेशल है, थोड़ा टाइम लगता है निकलने का, हम लोग तो बिल्कुल कॉमन है। तो आप लोग भी बताइए आप लोगों की। तो अलवीरा इधर रील्स बना रही हैं और मैं थोड़ी देर के लिए आ रही हूँ। नहीं मुझे जल्दी मेरा हटा दो, मैं जा रही हूँ। रुको तो अभी हमारे तुम रील्स तो बनाओ साइड पे, हम आ रहे हैं। अरे भैया ले रहे, हम लोग नकाब उठा के रख देते ताकि अभी जाना पे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आई है ये लड़की और इतनी जल्दी जल्दी करे हुए है कि मैं जा रही हूँ, तो उसको हम लोग पर्दे के पीछे रख देते हैं, और फिर अभी थोड़ी देर बैठते हैं हम लोग उनके साथ में। आओ अंदर आओ। तो अभी हम लोग बैठेंगे कुछ देर,
और खूब सारी हम लोग की मस्ती भी हो रही है साथ ही साथ। हो गया मेरा नकाब, दे तो मैं चलूं। नकाब हमें क्या पता, तुम क्या कहाँ उतारी थी, घंटा हो गया, तुम कहाँ उतारी थी नकाब, हमें नहीं पता। प्रैंक कर रही मेरे साथ, क्यों प्रैंक करेंगे भैया, तुम मुझे जानने नहीं दे, काफी टाइम से बोल रही अभी रुको, अभी देखिए फ्रेंड 2-3 घंटा हो गया है और ये मेरे घर आए थी ईद वाले दिन, 2-3 5-10 मिनट, 5-10 मिनट नहीं, 2 बजे हम निकले हैं, 5:30 बजे के करीब आए थी ना मेरे घर। हाँ तो उसमें तुम्हारी गलती है, मेरे घर आती ना उससे। हाँ, तो अभी इसी वजह से ये इतना भी इनका हुआ है, 15 से 20 मिनट हुआ है, 15 से 20 मिनट नहीं हुआ, गाइस झूठ बोल रही है, झूठ और आप लोगों को लगता है मैं झूठ बोलती हूँ। तो क्या हुआ थोड़ी देर अभी 4:30 बजे 5 बजे अम्मी को बता दिया इनको पिक करने आया था कि चलो इनको लेके दूसरी फ्रेंड्स यहाँ चलेंगे, तो मेरा पोपटी हो गया, मुझे पता ही नहीं था कि जाएंगे नहीं मेरे साथ। अम्मी के बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये आई थी, अम्मी हर साल भेज देती है मुझे, लेकिन अब की अम्मी ने कह दिया नहीं तो नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस इनका खराब हो गया, तो ये ले दे के रील्स बनाई है, हमको पता ही नहीं कि अम्मी भेजेगी ना, हमको लगा असली मोए मोए अच्छी है क्या, मतलब अच्छी है वो रियल नहीं है। असली में आज इनका रियल में पोपट हुआ है, मोए मोए इनको ही कहते हैं जो इनके साथ हुआ है, आज पता चल गया मोए में होता क्या है। हाँ अलवीरा, अलवीरा इधर अपना दिमाग लगाते हुए अब नकाब ढूंढो, हम नहीं जानते हैं, देखते हैं ये ढूंढ पाती है, इन्होंने जान तो लिया, ये देखिए गाइस मेरा नकाब, देखो ये बहुत दिमागी लड़की हमेशा मेरे साथ रही है ना, इसी वजह से इतना दिमाग, आधा माइंड हमें ले लिया। हाँ इसी वजह से ब्लॉगिंग में थोड़ा बहुत जो जितनी गलतियाँ होती इन्हीं की वजह से होती है, क्योंकि आधा दिमाग इनके पास है आधा में। अरे यार अभी जाना थोड़ी, इतना हुआ है बिल्कुल, जल्दी जल्दी तब मत आती, इससे अच्छा रहने देती, आती ना फिर 2:30 बजे, क्या 3 बजे एंटर करी हो मेरे घर में, चलो फिर अब कब आओगी। लेकिन हम लोग ने खूब सारी मस्ती करी और खूब सारे ड्रामे भी मेरे फ़ोन ने किए अलवीरा को आज देख के, एक भी रील्स हम लोग की शूट नहीं हो पाई, अब देखो फिर मैं क्या करती हूँ, क्या स्टोरी लगाती हूँ, क्या स्टेटस, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ब्लॉग ही शूट कर लेती हूँ, वरना ये चली भी जाएगी ब्लॉग, कभी पोपट हो जाएगा, इतने टाइम बाद मिलने आई है तो इसके साथ तो एक ब्लॉग जाना ही चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी प्यार से ब्लॉग भी बनवा रही हैं और अपना नकाब भी पहन रही हैं, वायरल तो प्लीज़ गाइस इनको इतना वायरल कर लीजिए कि पूछे कुछ, ताकि ये नेक्स्ट टाइम जल्दी मेरे से घर पे मिलने आए कि चलो जल्दी, और खूब सारा शेयर कीजिए। हाँ यार ये लोग कैसे दोस्त है, आपके भी ऐसे दोस्त है कि सिर्फ ब्लॉग देख लेते हो कमेंट भी नहीं करते हैं, ये रेडी हो गई हैं ऑलमोस्ट, चलो ये जा रही हैं, ये काफ़ी अच्छी प्यारी लग रही है नकाब में माशाल्लाह, पहले तो छोटी सी थी अब इतनी बड़ी हो गई है, मेरे से ज़्यादा हाइट हो गई है इसकी, इनकी स्लीपर भी खो गई है, सब कुछ खोना चाहती है लेकिन मैंने खो लिया, बड़ा दिमाग इंटेलिजेंट बच्ची है, देखिए कितने दिमाग है, देखिए कहाँ कहाँ मेरा दिमाग गया है इनके साथ। चलो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे अभी हम लोग, नेक्स्ट टाइम अब कब मिलेंगे, जल्दी आना अलवीरा सच में, चलो घर जाके फ़ोन करना ठीक, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस आज ये व्लॉग मैं 15 अप्रैल के मॉर्निंग में शूट कर रही, वॉइस ओवर करते करते मैंने कहा लास्ट क्लिप्स शेयर कर देती हूँ आप लोगों की, पूरी अपडेट देती हूँ। तो 13 अप्रैल को हम लोग नानी के यहाँ से आए, फिर मेरे घर पे मेहमान थे, फिर आगे क्लिप नहीं शूट कर पाई, तानिया के साथ छोटी सी क्लिप फ़ोटो शूट करते समय मैंने शूट कर ली, तो मैंने सोचा वो क्लिप शेयर कर दूँगी, फिर एडिटिंग नहीं, एंड देन 13 अप्रैल को मैंने ड्रेस ही नहीं पहना, फिर 14 अप्रैल को मैंने वो ड्रेस पहना, देन उसकी क्लिप मैंने शूट करी थोड़ी बहुत, फिर मैं सुनार के चली गई क्योंकि मेरे एयर रिंग अटक गए थे बहुत ज़्यादा, अभी भी दर्द हो रही है, और फिर अलवीरा आ गई उसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती हुई, एंड देन फिर घर पे कुछ ना कुछ काम पड़ गया, फिर आगे का व्लॉग नहीं शूट कर पाई मैं, और एडिटिंग भी नहीं हो पाई,
और फिर ये मॉर्निंग में मैं क्लिप शूट कर रही हूँ कि आज मैं अपलोड कर दूँगी, काफ़ी पेंडिंग व्लॉग जा रहा है और मैं भी 15 या 20 दिन तक व्लॉग में भी ना आ पाई। मैं ट्राई करूँगी कि एक या दो व्लॉग शूट कर लिया करूँगी, क्योंकि इधर का भी मेरा पूरा डे बिजी रूटीन में जा रहा है, क्योंकि जो रमज़ान में और ईद में मेरे जितने काम नहीं हो पाए उसको भी मुझे करना है। तो मैं ट्राई करूँगी, मैं अपना 100% दूँगी कि मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ, लेकिन नहीं शूट कर पाऊँगी तो प्लीज़ आप लोग वेट करिएगा, मैं ब्लॉग इंशाल्लाह फिर से स्टार्ट करूँगी। और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आई नो ईद का ब्लॉग भी अधूरा रह गया था, छोटी छोटी क्लिक, क्योंकि फ़ोटोज़ क्लिक करो सब रहते हैं तो नहीं ब्लॉग शूट हो पाता है, तो आप लोग भी अंडरस्टैंड करेंगे, आप लोगों की भी ईद ऐसी जाती होगी। और चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।